अनुशासी अभियंता अनुसंधान एवं नियोजन खंड मुरादाबाद कार्यालय पर इन दिनों बिजली कटिया डालकर चलाई जा रही है। एक तरह से बिजली की चोरी की जा रही है। जहां एक तरफ प्रशासन बिजली की चोरी रोकने के अनेकों प्रयास कर रहा है, तो वहीं प्रशासनिक कार्यालय पर बिजली कटिया डालकर चलाई जा रही है। ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा कहना है विभाग के ही कर्मचारियों का। उनकी बात में सच्चाई भी नजर आती है, क्योंकि खंभे से मीटर तक लाइट तो आ रही है, लेकिन मीटर से बिजली बाहर नहीं जा रही। बिजली विभाग द्वारा तार को काट दिया गया। हमारे संवाददाता ने जब इस बाबत कार्यालय पर मौजूद रहे विभाग के कर्मचारियों से बात की, तब उन्होंने बताया कि बीते एक साल से इसी तरह बिजली का उपयोग किया जा रहा है। सरकार बिजली चोरी रोकने को लेकर भले ही अभियान चला रही हो, लेकिन जब सरकारी दफ्तरों में ही बिजली चोरी की जाती रहेगी तो समाज में इसका क्या। अनुसंधान एजेंट डिवीजन में खड़े हैं, अनुसंधान योजना खंड मुरादाबाद। क्या है आप? मैं फोरकास्ट मांगा और क्रांति संघ का अमंडल अध्यक्ष हूँ। जैसे इस ऑफिस के अंदर जो लाइट आ रही है, मीटर तक तो लाइट आ रही है, लेकिन मीटर के बाद लाइट नहीं आ रही, डायरेक्ट खंभे से ताल रखा है, तो क्या कौन लोग डाले गए हैं इसको? क्या एक्शन साहब ने डलवाया? ये एक्शन साहब मतलब जैसे सरकार कहती है कि बिजली चोरी ना की जाए, विभाग के लोग ही इसको बिजली चोरी माना जाएगा? हाँ, पर जो भाई जो वहाँ के सर्वे सर्वा हैं, जो मालिक हैं डिविंग के, वो खुद ही चोरी करवा रहे हैं। तो दूसरा कब से चल रही है इस तरह? ये लगभग एक साल हो गया। एक साल से ऐसी चल रही है? एक साल से ही चल रहा है। तार जो डाला गया होगा, ये बिजली विभाग के लोग ही डाले गए? हाँ, बिजली विभाग के डाल के गए।